हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंबोसर पर। तो आज के वीडियो में देखेंगे क्लास नाइन्थ के एक्सरसाइज नंबर 6.1 जो कि चैप्टर है आपका 6, जिसका नाम है रेखाएं और कोण। इससे पहले बच्चों एक बेसिक यानी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट पर है चैप्टर 6 से रिलेटेड। उसमें जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका वो मैं कंप्लीट बना चुका हूँ, तो इससे पहले आप जाकर के वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपको जब हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझे तो वहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो हम कोण या शीर्ष अभिमुख कोण आसन कोण इस प्रकार के हम यूज़ करने वाले तो वो आपको पहले से ही पता चल जाए कि किसे हम शीर्ष अभिमुख कोण कहते हैं या कौन सा आसन कोण है, संपूरक कोण क्या है, ये सब आपको पहले से ही पता हो। ठीक है, तो उसका उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, तो आप पहले जाकर के वो वीडियो देखिए, उसके बाद फिर आप एक्सरसाइज 6.1 के जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देख रहे होंगे, इसमें कहा है आकृति 6.13 में जो आकृति यहाँ पर आपको दे रखी है, इसमें बोला है ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो रेखाएँ हैं ए और बी, देखो एक ही रेखा गई ए बी और दूसरा दे रखा है आपको सी डी, सी डी वाली रेखा ये रही आपकी। बोला है बिंदु ओ पर, यहाँ बिंदु ओ पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद करती है। यदि एंगल ए ओ सी, यदि एंगल ए ओ सी आपको दे रखा है कितना, सॉरी ए ओ सी प्लस बी ओ ई, बी ओ ई यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों को मिलाकर दे रखा है आपको 70 डिग्री। और बोला है एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ डी यानी ये वाला जो एंगल है वो आपको दे रखा है कितना, 40 डिग्री। तो बोला है एंगल बी ओ ई निकालो, बी ओ ई निकालो, ठीक है, सॉरी एंगल बी ओ ई। और दूसरा बोला है आपको प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई निकालना है, यानी एक एंगल ये निकालना है, दूसरा सी ओ ई का प्रतिवर्ती कोण निकालना है। प्रतिवर्ती कोण भी मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, और फिर बाकी जब हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख रहे हैं तो यहाँ पर भी मैं आपको एक बार बता दूंगा। तो जो जो चीज़ हमको दे रखी है सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं, दिया है क्या दे रखा है आप लोगों को, एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी प्लस, देखो ए ओ सी प्लस दे रखा है एंगल बी ओ ई, दे रखा है एंगल बी ओ ई बराबर कितना दे रखा है आपको 70 डिग्री यानी 70 डिग्री। और एक चीज़ और आपको दे रखी है एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ डी यानी बी ओ डी ये वाला एंगल दे रखा है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इन दोनों का योग दे रखा है, और दोनों का योग दे रखा है और बोला है इसको निकाल करके बताना है। तो देखो कैसे निकलेगा, एंगल बी ओ डी दे रखा है आपको 40 डिग्री, ठीक है, ये दे रखा है। ज्ञात क्या करना है वो भी लिखना है, तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है बच्चों, बोला है एंगल बी ओ ई निकालो, बी ओ ई, और दूसरा बोला है आपको प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती बोला है सी ओ ई, एंगल सी ओ ई निकालना है। ठीक है, बुक को रखता हूँ मैं साइड में और देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, बी ओ ई निकालना है। तो बी ओ ई निकालने से पहले इस चित्र को समझ लेते हैं। देखो ये जो आपकी एक सीधी रेखा है इसको आप रिजु रेखा बोलते हैं, ठीक है, और रिजु रेखा अगर बोलेंगे कि कितना डिग्री एंगल बनाती है तो 180 डिग्री का एंगल बनाती है। रिजु कोण आप बोल सकते हैं, रिजु कोण कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री, ठीक है। आप देखेंगे आप जो ये वाली एंगल, एक तो ए ओ सी वाला जो एंगल है ये 180 पर टिका हुआ है, फिर एंगल सी ओ ई ये भी 180 पर है, और एंगल ई ओ बी ये भी किस पर है, 180 पर है। तो मैं अगर इनका नामकरण करूं तो एंगल फर्स्ट इसको मान लो एंगल एक, इसको मान लो एंगल दो, और इसको मान लो एंगल तीन, ठीक है। तो ये तीनों किस पर है, रिजु रेखा पर है, यानी एंगल पहले दूसरे और तीसरे इन तीनों का योग कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सबसे पहले क्या, एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री इक्वल टू कितना, 180। अब 180 हमने एंगल फर्स्ट किस को माना है, एंगल बी ओ ई को, तो यहाँ पे लिख लो, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल बी ओ ई प्लस दूसरा आपको दे रखा है ई ओ सी यानी दूसरा एंगल, एंगल ई ओ सी प्लस तीसरा एंगल आपका क्या है, सी ओ ए, तीन एंगल बन रहे हैं सी ओ ए, सी ओ ए या ए ओ सी आप जो लेना चाहे ले सकते हैं। तो इक्वल टू दे रखा आपको 180 डिग्री यानी रिजु रेखा पर है, तो ये 180 का कोण बनाएंगे, एंगल पहला दूसरा और तीसरा तीनों मिल करके। अब यहाँ आपका यहाँ पर आपको दे क्या क्या रखा है, देखो ए ओ सी दे रखा है, ए ओ सी है कहीं पे, देखो ए ओ सी है आपके पास, और बी ओ ई है, बी ओ ई यानी ये और ये दोनों एंगल दे रखे कितने, 70 डिग्री। तो हम दोनों को एक साथ में ले लेते हैं, बी ओ ई प्लस एंगल ए ओ सी यानी ये आपको जो दे रखा है ए ओ सी, चाहे आप सी ओ ए लिख सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, तो ए ओ सी, ठीक है, यहाँ पर भी आप सही कर लो नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगी आपको, जब आप एक दो क्वेश्चन कर लोगे तो उसके बाद आपको समझ आने लग जाएगा कि किस तरह से क्या करना है। तो दूसरा है आपका, सॉरी तीसरा जो एंगल है वो है ई ओ सी,
ई ओ सी इक्वल टू कितना 180 डिग्री, यानी हमने पहले और तीसरे को पहले लिख लिया, देखो पहला और ये आपका ए ओ सी तीसरा था, तो हमने तीसरे को दोनों का योग दे रखा आपको, इसलिए हमने दोनों को एक साथ ले लिया, प्लस एंगल ई ओ सी हमने ले लिया अलग से, ठीक हो गया। इन तीनों का योग कितना है 180 है, और इसमें आपको दे रखा है बी ओ डी, यानी ये वाला जो एंगल दे रखा है वो आपको दे रखा है कितना 40 डिग्री। अब सबसे पहला काम क्या करना है, इन दोनों का योग जो दे रखा है उसको हम लिख लेते हैं, एंगल बी ओ ई प्लस एंगल ए ओ सी, बी ओ ई प्लस ए ओ सी दे रखा कितना 70, और देखो प्लस में है तो आप आगे पीछे इन दोनों को लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, और यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा ई ओ सी बराबर 180। तो एंगल ई ओ सी की बात करें तो कितना आ जाएगा, 180 में से अगर आप 70 माइनस कर देंगे कितना बचेगा, एंगल ई ओ सी बराबर 110 डिग्री। ये आपका कौन सा निकल के आ गया, ई ओ सी, यानी ये बीच वाला हिस्सा निकल करके आ चुका है ई ओ सी, ठीक हो गया। अब आपको निकालना क्या, देखो निकालना है आपको बी ओ ई, बी ओ ई ज्ञात करना है, ठीक हो गया। तो अब देखो एंगल बी ओ निकालने के लिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपने देखा ऋजु कोण कितना है 180 डिग्री, तो बी ओ ई निकालना है। तो आपको पता है कि शीर्षाभिमुख कोण नाम की भी कोई चीज़ होती है, शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, अगर मैं यहाँ पर भी आपको एक बार बता देता हूँ, जब दो रेखाएं एक दूसरे को आपस में क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती है, तो उनके जो आमने सामने के कोण बनते हैं ये हमारे क्या कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे, जो एक्स है, ठीक है, यानी यहाँ पर और यहाँ पर जो एंगल बनेगा, या फिर यहाँ पर इसको हम नाम दे देते हैं एल एल, कुछ भी नाम दे दो ओ ओ, तो ये आमने सामने के कोण क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। तो जब देखो यहाँ पर ये 40 डिग्री, तो एंगल 3 कितना हो जाएगा, ये भी 40 डिग्री हो जाएगा। अभी आपने ई ओ सी निकाला, यानी ई ओ सी ये वाला हिस्सा निकाला, इसका हमें प्रतिवर्ती कोण निकालना है, ये भी हम लास्ट में देख लेते हैं। तो पहले हम निकाल लेते हैं क्या, एंगल एक और एंगल तीन को अलग कर लेते हैं, क्योंकि हमें चाहिए क्या, बी ओ ई चाहिए, बी ओ ई चाहिए, एंगल फर्स्ट फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो लिख लेते हैं कि एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ डी इक्वल टू किसके हो जाएगा, एंगल बी ओ डी बराबर होगा किसके, एंगल ए ओ सी के, एंगल ए ओ सी के, क्यों, क्योंकि ये क्या है, आपस में शीर्षाभिमुख कोण बना रहे हैं, शीर्षाभिमुख कोण बना रहे हैं, ठीक हो गया। जब शीर्षाभिमुख कोण बना रहे हैं तो जो एंगल बी ओ डी कितना है 40 डिग्री है, तो एंगल ए ओ सी कितना हो जाएगा, तब एंगल ए ओ सी भी कितना हो जाएगा 40 डिग्री, बी ओ डी आपको 40 दे रखा है, बी ओ डी 40 दे रखा है, तो आपका एंगल ए ओ सी भी कितना हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा, कंप्लीट। जब ये 40 है, अब मैं बात करूँ कि अगर मुझे बी ओ ई निकालना है, क्या निकालना है, एंगल बी ओ ई निकालना है, जो आपको क्वेश्चन में बोल रखा है कि ज्ञात करना है, तो उसको निकालने के लिए अब क्या करेंगे, अब आपको पता है इन तीनों का योग कितना होता है 180 होता है। अब आप यहाँ पर आपको एंगल दूसरा भी पता चल गया, एंगल तीसरा भी पता चल गया, आप एंगल फर्स्ट निकालना है तो क्या करोगे, आप जो आपने समीकरण, इसको मान लो आप समीकरण कितना एक मान लो, या फिर मान लो कौन सा, इसमें समीकरण आप ले लो फर्स्ट वाला ही ले लो, इसमें फर्स्ट वाले में अगर हम दो के मान रख देंगे तो आ जाएगा, देखो समीकरण एक से ले लेते, इसको मान लेते हम समीकरण एक, समीकरण एक से, समीकरण एक में आपके पास क्या क्या है, एंगल बी ओ ई है, एंगल बी ओ ई प्लस एंगल आपके पास ई ओ सी, एंगल ई ओ सी प्लस एंगल ए ओ सी, प्लस एंगल ए ओ सी इक्वल टू कितना होना चाहिए 180 डिग्री। अब आपके पास कौन कौन सा एंगल आ चुके हैं, एंगल दूसरा आपका क्या है ई ओ सी, यहाँ पे आपने ई ओ सी निकाल लिया था कितना 110 डिग्री, तो यह रख दो 110 डिग्री, प्लस और आपने क्या निकाला, निकालना आपको बी ओ ई है, यानी बी ओ ई निकालना है, तो आपको सी ओ ए या ए ओ सी अभी आपका कितना आया 40 डिग्री, ए ओ सी कितना आ गया 40 डिग्री इक्वल टू आपका कितना है 180 डिग्री, यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा बी ओ ई निकल करके आ जाएगा, तो एंगल बी ओ ई बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, देखो 110 प्लस 40 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 150, जब 150 को ले जाओगे राइट साइड में तो किस में आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, ठीक हो गया। तो 180 में से जब 150 माइनस करोगे कितना बचेगा 30 डिग्री, यानी एंगल बी ओ ई बराबर कितना आ गया 30 डिग्री आ चुका है। अब इसके बाद आपको क्या निकालना है, एक प्रतिवर्ती कोण निकालना है किसका, सी ओ ई का, तो यहाँ पे आप देख लो सी ओ ई आप निकाल चुके हो, सी ओ ई, यहाँ पे देखो सी ओ ई या ई ओ सी दोनों कोण एक ही है, इसमें कोई आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो जब आपका ये 110 है, अब शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, ठीक है, माना हमने क्या कि एक मैंने एक बना दिया वृत्त, ठीक है, वृत्त बना दिया और उसमें आपका ये इतना हिस्सा मैंने काट दिया, बोल दिया मैंने क्या है 110 है ये, शीर्षाभिमुख कोण क्या होगा कि इस कोण के बाकी जो हिस्सा रह गया शेष, यानी इतना हिस्सा,
ठीक है, इतना हिस्से में से, ये पूरा पूरे में से इतना हिस्सा माइनस करके जो शेष रह जाएगा वही आपका क्या कहलाएगा, प्रतिवर्ती कोण कहलाएगा। तो जब आपका ये वाला एंगल 110 है तो ये बाकी वाला एंगल कितना होगा वो आपने बताना है। तो अब पूरा देखो, आप क्या देख रहे हो कि 360 का होगा, यानी एक बिंदु के, अगर बात करूँ एक बिंदु के चारों ओर बनने वाला कोण कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। तो आपने सिंपली क्या करना है कि 360 में से 110 माइनस कर देना है। तो यहाँ पे लिख लेंगे प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती क्या निकालना है आपने, सी ओ ई, तो यहाँ पे लिख लेते प्रतिवर्ती एंगल सी ओ ई। तो ये आ जाएगा बच्चों आपका क्या, 360 माइनस सी ओ ई, क्या है अपना सी ओ ई, सॉरी सी ओ ई आपको दे रखा है कितना, 110। तो टोटल आपका कितना आ जाएगा, देखो 0 में से 0 जाएगा, 6 में से 1 जाएगा 5 और 3 में से 1 जाएगा 2, ठीक है। तो यानी प्रतिवर्ती सी ओ ई आपका कितना आ गया, एंगल 250 डिग्री, ठीक है। दो चीज़ें निकालनी थी आपको, एंगल बी ओ ई निकालना था और दूसरा प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई निकालना चाहते हो। ये आपका दोनों चीज़ें निकल करके यहाँ पर आ चुके हैं। आई होप बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बच्चों का है, आकृति 6.14 आकृति यहाँ आपको ऑलरेडी दिख रही होगी, मैं बोला है रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं, यदि एंगल पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री है और ए अनुपात बी दे रखा है आपको 2:3, तो सी ज्ञात कीजिए, ठीक है। जो जो दे रखा है पहले हम उसको लिख लेते हैं और यहाँ पे चित्र को समझ लेते हैं। बोल रखा है दो रेखाएं एक्स वाई और एम एन, एक्स वाई और एम एन दो क्या हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं जो बिंदु ओ पर क्या करती हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। और पी ओ वाई, एंगल पी ओ वाई आपको दे रखा है 90 डिग्री, आपको देख करके पता चल रहा होगा। और आपको दे रखा है ए अनुपात बी, लिख लेते हैं पहले दिया है और पहले हम इसका समझ लेंगे, उसके बाद इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ए बी दिया है आपको क्या, एंगल पी ओ वाई आपको दे रखा है कितना, 90 डिग्री, ठीक हो गया। और एक दे रखा है आपको ए अनुपात बी दे रखा है आपको कितना, 2:3, और ज्ञात करना है क्या, एंगल सी, यानी सी आपको निकालना है, ठीक हो गया। अब मैं अगर यहाँ बात करूँ चित्र से, तो ए अनुपात बी आपको दे रखा है 2:3 में, तो ये आपको पता है 90 डिग्री है, और ये आपकी क्या है, एक सीधी सरल रेखा, एक रिजु रेखा है, यानी इसका योग 180 और ये आपका 90, यानी इधर का हिस्सा आपका क्या है, 90 है। और तो यहाँ से पी ओ एक्स तक आपका हिस्सा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और इसका ए अनुपात बी दे रखा है, देखो ए अनुपात बी आपको दे रखा है कितना, 2:3। हमेशा क्या होता है, जो भी चीज़ अनुपात में रहती है उसको अगर हम जोड़ देते हैं तो देखो कितना निकल के आ जाता है, हमेशा ये जुड़ती हैं आपके। अनुपात क्या होता है, अनुपात का मतलब क्या होता है, ये जो आपकी दो जगह है वो इतने हिस्सों में बटी हुई, यानी इन दोनों में का हिस्सा कितना है, ये 2 और 3, एक के पास दूसरा दो हिस्से हैं, एक के पास 3 हिस्से हैं, तो टोटल हिस्से कितने हो गए, 5, सिंपल भाषा में समझें। तो जो एंगल ए है और जो एंगल बी है, ठीक है, तो इन दोनों के पास ये जगह बटी हुई, यानी पी ओ एक्स, पी ओ एक्स कितना है आपका, 90 डिग्री है, एंगल पी ओ एक्स कितना आपका, पी ओ एक्स आपका कितना है, 90 डिग्री। तो ये जो 90 डिग्री है वो किस किस में बटा हुआ है, एंगल ए और एंगल बी में बटा हुआ है। एंगल ए के पास कितना हिस्सा है, यानी ए के पास 2 हिस्से हैं और बी के पास टोटल कितने हिस्से हैं, 3, ठीक हो गया। और ये बटा कितने हिस्सों में, टोटल 5 हिस्सों में बटा है, यानी अगर हम 90 को 5 भागों में बांट दें, 90 को कितने भागों में, 5 भागों में बांट दें, तो एक भाग निकल के आ जाएगा। फिर हम इनका इसका इसको 2 भाग दे देंगे, इसको 3 भाग दे देंगे। देखो 5 को अगर हम 90 में भाग दें, 90 का भाग 5 से दें, कितना आ जाएगा, 5 एकम 5, कितना बचेगा, 4 5 8 40, ठीक है। यानी एक हिस्सा जो है वो कितने का है, 18 डिग्री का है। तो टोटल कितने इसके पास कितने हिस्से हैं, ए के पास 2 हिस्से हैं, तो 18 दूनी कितना हो जाएगा, 36, और बी के पास कितना आ जाएगा, 36 18 54, यानी हमें ए और बी पता चल गया। अब निकालना है क्या, देखो ए पता चल गया, बी पता चल गया, ए कितना है 36, बी कितना है आपका 54, ये 90 है। अब देखो ये मैंने क्या कहा था, ये ए और बी दोनों के पास कितना हिस्सा होना चाहिए, 90 डिग्री का है, वो तो बाद में बात की बात है कि कितना कितना, देखो 6 4 हो जाएगा 10, 10 के जो राशि लगाए 5 6 7 और 1 9, देखो यहाँ पी ओ वाई हो गया 90 डिग्री और ऐसे ही पी ओ एक्स हो गया कितना, 90 डिग्री। निकालना है क्या आपको, सी निकालना है, यानी यहाँ से लेकर के ये पूरा 180 हो गया। अब आपको पता है, अगर मैं आपसे एक बात बोलूं, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक्स वाई और एम एन जो है एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। और मैंने आपको एक चीज़ पहले ही बेसिक वीडियो में जो आपको दे रखी है, ठीक है, उसमें मैंने क्या कहा था, जो आमने सामने के कोण होंगे वो क्या होंगे, शीर्षाभिमुख कोण होंगे, यानी ये वाला और ये वाला क्या है, शीर्षाभिमुख, यानी जितना कोण ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। तो यहाँ पर देखेंगे आप,
तो ये वाला हिस्सा यहाँ पर देखेंगे आप, ये वाला हिस्सा कट रहा है, यानी एंगल बी बराबर किसके होगा, अगर मैं कोई यहाँ पर एंगल ले लूँ तो इसके बराबर होगा। ऐसे ही ये जो एंगल ए और एंगल ये 90 डिग्री वाला है, ठीक है, 90 डिग्री वाला प्लस एंगल ए मिलकर के क्या बना रहे हैं, एक एंगल बना रहे हैं जिसका शीर्षक कोण क्या है, सी है। अगर मैं इस ए और किसको जोड़ दूँ, इस 90 डिग्री को जोड़ दूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण मिल जाएगा। ए आपका कितना है, 36 है, प्लस सी सी बोल रहा हूँ, ये आपका पी ओ वाई कितना है आपका, 90। तो इसमें जोड़ो देखो, 0 और 6 कितना हो जाएगा, 6, 9, 10, 11, 12, यानी एंगल सी आपका, यानी जो सी एंगल है वो आपका कितना आ जाएगा, 126 डिग्री आ जाएगा, ठीक हो गया। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब इसका करते हैं पूरा डिटेल में सॉल्यूशन, आई होप बच्चों इसको आप समझ गए होंगे। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका पूरा कंप्लीट। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, चेंज मार्कर मैं कर लेता हूँ पहले चेंज, ज्ञात क्या करना हमको, सी निकालना है। अब यहाँ पे अनुपात दे रखा है, ए अनुपात बी, ठीक है, ए अनुपात दे रखा है आपको 2:3। अब हम जानते हैं कि एंगल पी ओ एक्स, एंगल पी ओ एक्स बराबर कितना है, 90 डिग्री है। और पी ओ एक्स को आप क्या ले सकते हैं, ए और बी, इसको आप ले सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। अब इसका अनुपात दे रखा है, तो यहाँ से आ जाएगा, ये आ जाएगा ए बराबर आ जाएगा 2x और बी आ जाएगा आपका कितना, 3x। तो यहाँ से आपने क्या निकालना है, मान निकालना है, तो यहाँ से आ जाएगा आपका क्या, 2x प्लस 3x, 2x प्लस 3x इक्वल टू आ जाएगा आपका कितना, 90 डिग्री। तो 2 प्लस 3 आ जाएगा आपका कितना, 5x इक्वल टू 90। यहाँ से x का मान निकाल दो तो कितना आ जाएगा, 90/5, और x बराबर आ जाएगा 5 × 5 और 5×8=40, यानी x आ गया कितना आपका, 18 डिग्री। तो यहाँ से a और b का मान निकाल लो, तो 2 गुणा आ जाएगा आपका 18, कितना, 18 × 2=36, a और b बराबर आ जाएगा 3 × 18 × 36, 18 × 54, a और b का मान मिल गया आपको, ठीक हो गया। अब उसके बाद फिर हम यहाँ पे एक चीज़ और लिख लेते हैं कि जो शीर्षाभिमुख कोण है आमने सामने, यहाँ से हम लिख लेते हैं एंगल ए, सॉरी स्मॉल में लिखते हैं एंगल ए प्लस एंगल पी ओ वाई किसके इक्वल हैं, इक्वल हो जाएंगे आपके एंगल सी के। क्यों, क्योंकि आपस में क्या है, शीर्षाभिमुख कोण बना रहे हैं, शीर्षाभिमुख कोण बना रहे हैं, शीर्षाभिमुख, ठीक है, यानी एंगल ए प्लस एंगल कौन सा, पी ओ वाई आपका क्या है, बराबर है किसके, एंगल सी के। इसको आप चाहो तो एक्स ओ एन भी लिख सकते हैं, ठीक हो गया। तो एंगल ए कितना है आपका, एंगल ए अभी आपने निकाला कितना, 36 डिग्री, प्लस पी ओ वाई आपका कितना है, 90 डिग्री, बराबर आ जाएगा आपका एंगल सी। तो 90 + 36 कितना हो जाएगा, 126 डिग्री बराबर आ जाएगा एंगल सी। यही आपको क्या करना था, निकालना था। स्टार्टिंग में आपने बेसिक समझ लिया था कि कैसे क्या करना है, और इसमें आपने क्या लिख लिया, तरीका लिख लिया किस तरह से आप निकाल सकते हैं। देखो एंगल ए प्लस एंगल बी कितना है, 90 डिग्री, और एंगल ए बराबर एंगल ए के पास कितने हिस्से हैं, 2 एक्स हिस्से हैं, बी के पास कितने हैं, 3 एक्स हिस्से हैं। तो यहाँ पे हमने दोनों को सॉल्व करके एक्स का मान निकाला, और एक्स का मान फिर हमने यहाँ पे रख दिया जो हमने माना था स्टार्टिंग में, और ए और बी का मान जो निकल के आया, फिर हमने देखा कि एंगल ए प्लस एंगल पी ओ वाई मिलकर के क्या बना रहे, समकोण बना रहे। तो एंगल ए प्लस एंगल पी ओ वाई को मिलाकर हमने क्या दिखा दिया, शीर्षाभिमुख कोण दिखाया, और दोनों का मान रख करके हमने एंगल सी का मान निकाल दिया। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, सेकंड नंबर भी हो चुका है कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़ देता हूँ जल्दी से। इसमें कहा है आकृति 6.15 जो कि आपको सामने दिख रही होगी। इसमें बोला है यदि एंगल पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू है, तो सिद्ध कीजिए कि एंगल पी क्यू एस बराबर पी आर टी। तो जो जो दे रखा पहले हम उसको लिख लेते हैं। दिया है क्या दे रखा है आपको, एंगल पी क्यू आर, बहुत ही ईजी है बच्चों इसका सॉल्यूशन। पी क्यू आर बराबर दे रखा है एंगल पी आर क्यू के, और सिद्ध करना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है बच्चों, जो भी अब आपके आगे आने वाले हैं। पी दिया है आपको, सॉरी जो सिद्ध करना है, पी क्यू एस एंगल पी क्यू एस सिद्ध करना है किसके, एंगल पी आर टी के, ठीक है। अब आपको मैं बेसिक वीडियो में भी समझा चुका हूँ कि रैखिक युग्म, अगर मैं बोलूं कि यहाँ से देखो पी क्यू एस, ठीक है, यानी ये वाला हिस्सा अगर मैं इसको अलग से बना दूं तो ये थोड़ा सा ये झुका हुआ ये वाला हिस्सा, ठीक है, एक एंगल ये और एक ये, देखो सीधी रेखा जा रही है, एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। देखो
सिर्फ हम मैं इस एंगल की बात करूँ, किसके एंगल क्यू की, यानी पी क्यू एस और एंगल पी क्यू आर। तो देखोगे क्या बना रहा है, ये रैखिक युग्म बना रहा है। जब भी इस तरह का डायग्राम आपको बनता दिखेगा क्या बनेगा, यहाँ पे रैखिक युग्म बनेगा। ऐसे ही देखो इसको अगर हम रफली समझ लें तो देखो एंगल पी क्यू एस, पी क्यू एस यहाँ पे आपका क्या है पी, यहाँ पर आपका क्यू और यहाँ पे एस। देखो पी क्यू एस प्लस आपका क्या आ जाएगा पी क्यू और यहाँ पे जो भी रहेगा क्या है यहाँ पे आर। तो एंगल पी क्यू आर बराबर 180 डिग्री के इक्वल होगा, कब, जब रैखिक युग्म आपका बनता दिखेगा, यानी इस तरह की कंडीशन आपको दिखेगी। ऐसे ही ये तो पहली कंडीशन होगी। दूसरा देखो पी आर टी, जैसे आपका क्या है पी क्यू एस है इस एंगल के लिए, ऐसे पी आर टी किसके लिए, आर के लिए हो जाएगा, प्लस पी आर क्यू, जैसे आपने लिया पी क्यू आर ऐसे आपका हो जाएगा पी आर क्यू, वो भी किसके बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन, तो यहाँ से आ जाएगा, देखो हल कर रहे हैं आप। तो सबसे पहले एंगल आ जाएगा आपका पी, जो अभी हमने यहाँ पे लिखा पी क्यू एस, पी क्यू एस प्लस एंगल आ जाएगा आपका पी क्यू आर, पी क्यू आर इक्वल टू कितना, देखो पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू कितना 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये क्या बना रहे हैं, रैखिक युग्म बना रहे हैं, वो आपने लिख देना साइड में, रैखिक युग्म। ऐसे ही दूसरा हो जाएगा आपका, दूसरा आपका क्या है पी आर टी, एंगल पी आर टी प्लस आ जाएगा अंदर क्या पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू, ये भी बराबर कितना है 180 डिग्री, क्योंकि क्यों किस पर स्थित है, ये एक सीधी रेखा पर स्थित है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या, रैखिक युग्म, कंप्लीट। अब यहाँ से देखो ये भी 180, ये भी 180, यानी आपस में ये क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी एंगल पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर बराबर होगा इसके पी आर टी प्लस पी आर क्यू के। तो दोनों को ले लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम समीकरण एक, समीकरण एक, समीकरण दो, ठीक है, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समीकरण एक व समीकरण दो से, समीकरण एक व समीकरण दो से क्या आ जाएगा आपका, देखो आ जाएगा पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर, पी क्यू आर ठीक हो गया, इक्वल टू आ जाएगा आपका किसके, एंगल पी आर टी के प्लस आपका पी आर क्यू के, ठीक हो गया। आपने इसको क्या कर दिया, एक दूसरे के इक्वल रख दिया, और आपको एक चीज़ दे रखी है क्या, कि एंगल पी क्यू आर बराबर किसके है पी आर क्यू के, यानी ये देखो पी आर क्यू यहाँ पे आपको दिख रहा है, पी आर क्यू बराबर किसके पी क्यू आर के, और इधर आपको दिख रहा है क्या पी क्यू आर, यानी आप इसकी जगह ये लिख सकते हैं, इसकी जगह ये लिख सकते हैं, यानी दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, इस पी क्यू आर की जगह मैं क्या लिख लेता हूँ, पी आर क्यू लिख लेता हूँ। देखो ये आ जाएगा एंगल पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर की जगह मैं क्या ले रहा हूँ पी आर क्यू, क्योंकि क्यों, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। यहाँ से आ जाएगा पी आर क्यू इक्वल टू एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू। देखो ये प्लस में है पी आर क्यू, ये भी इधर प्लस में है पी आर क्यू, अगर आप इस प्लस वाले को इधर लेकर के जाएंगे बराबर के तो ये माइनस में आ जाएगा, तो इससे क्या हो जाएंगे, ये आपस में कट हो जाएंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी। देखो ये चीज़ आपको सिद्ध करनी थी, एंगल पी क्यू एस बराबर पी आर टी। यहाँ पे एक चीज़ आप जरूर बैकग्राउंड में डाल देना है कि एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर वैसे आपने ऊपर लिख रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप नहीं लिखोगे बराबर है किसके, एंगल पी आर क्यू के, ठीक है, इससे ये कट हो गया। तो आपको जो सिद्ध करना था पी क्यू एस बराबर पी आर टी के, तो ये आपका क्या हो चुका है, प्रूव हो चुका है। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हो गया है कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर फोर। बच्चों इसको आप सबसे इजी क्वेश्चन बोल सकते हो पूरे बुक का। इसमें देखो क्या बोला है, आकृति 6.16 में यदि x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड है तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी एक रेखा है। क्या सिद्ध करना है आपको, ए ओ बी एक रेखा है, यानी जो एंगल ए ओ बी क्या है इसको हमें रेखा सिद्ध करना है। तो जो जो हमको दे रखा है उसको लिख लेते हैं, पहले दिया है क्या दे रखा है वो लिख लेते हैं, x प्लस वाई, x प्लस वाई दे रखा आपको w प्लस जेड के, x प्लस वाई बराबर है आपका w प्लस जेड, और सिद्ध करना है जो सिद्ध करना है उसको लिख लो कि ए ओ बी एक रेखा है, ए ओ बी एक रेखा है, यानी आपको 180 इसको क्या करना है, प्रूव करना है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको एक्स वाई मिल जाए या जेड डब्लू मिल जाए, ठीक है, तो अब आपको पता है कि ये एक सीधी रेखा पर स्थित है, तो अगर एंगल एक्स प्लस एंगल वाई किसके बराबर हो जाए, 180 के बराबर हो जाए, तो आप इजीली कह सकते हो कि ए ओ बी क्या है, एक रेखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब एक चीज़ आपको बच्चों पता होनी चाहिए कि क्या किसी बिंदु के चारों ओर बनने वाले कोण कितने डिग्री के होते हैं, बराबर 360 डिग्री का। अब यहाँ पे देखोगे आप जो मध्य बिंदु वो क्या है, ओ,
ओ के चारों तरफ आपके चार कोण बन रहे हैं, एंगल एक्स बन रहा है, वाई बन रहा है, डब्ल्यू बन रहा है और जेड बन रहा है, इन चारों का योग कितना होगा? 360 के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम एक चीज़ लिख देते हैं, हम जानते हैं किसी भी बिंदु के चारों ओर चारों ओर बनने वाले कोण का योग, चारों ओर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है? कोणों का योग 360 डिग्री होता है। जब 360 होगा इन चारों का योग, तो पहले हम लिख लेते हैं एंगल आपका कौन कौन सा, एंगल x प्लस एंगल y प्लस आपका एंगल w प्लस एंगल z इक्वल टू कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। अब आपको एक चीज़ क्वेश्चन में दे रखी है, x प्लस y बराबर किसके है? w प्लस z के। यानी इस w प्लस z की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? x प्लस y लिख सकता हूँ। तो बस इतना ही काम आपको करना है, एंगल x प्लस एंगल y बराबर w प्लस z की जगह क्या आ जाएगा आपका? एंगल x प्लस एंगल y आ जाएगा, इक्वल टू में क्या आ जाएगा आपका? 360। ठीक हो गया। तो एंगल x प्लस देखो कितनी बार है? दो बार है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एंगल, देखो x x कितनी बार है? दो बार है, तो हो जाएगा 2 एंगल x प्लस y कितनी बार है? दो बार है, तो ये भी आ जाएगा एंगल 2 y इक्वल टू कितना? 360। तो यहाँ से आपका एंगल x प्लस एंगल y बराबर कितना आ जाएगा? 360। देखो यहाँ से दो आप क्या कर लोगे? बाहर कॉमन ले लोगे, दो यहाँ पर भी बाहर कॉमन आ जाएगा। तो एंगल x प्लस एंगल y बराबर कितना आ जाएगा? 360 गुणा में दो है, और इधर लाओगे किस में आ जाएगा? बट्टे में। तो एंगल x प्लस एंगल y बराबर कितना आ जाएगा? 180। ठीक है। अब एंगल x और एंगल y क्या आ गया आपका? 180 के बराबर आ गया। अब आपको पता है कि क्या सिद्ध करना है? ए ओ बी एक रेखा है, तो यहाँ पे बना लेंगे हम एंगल x प्लस एंगल y एक रैखिक युग्म बनाते हैं, एक रैखिक युग्म बनाते हैं जिसके कोणों का योग कितना है? 180 डिग्री है। बस ये आपने क्या कर दिया? दिखा दिया कि x और y का योग कितना आ गया? 180 आ गया, जो कि एक रैखिक युग्म बनाते हैं। अतः क्या लिख दोगे कि AOB एक रेखा है। अतः AOB एक रेखा है, यही आपको सिद्ध करना था। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों कहा है, आकृति 6.17 में POQ एक रेखा है, किरण OR रेखा PQ पर लंब है, किरणों OP और OR के बीच में OS एक अन्य किरण स्थित है, तो सिद्ध कीजिए कि एंगल ROS बराबर 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS। डायग्राम आपको दे रखा है सामने, आप डायग्राम देखिए, और तब तक मैं लिख लेता हूँ कि क्या क्या दे रखा है और सिद्ध क्या करना है। तो जो चीज़ दे रखी है उसको लिख लेते हैं हम पहले। दिया है क्या क्या दे रखा है आपको? बोला है OR PQ पर लंब है, OR रेखा PQ पर लंब है। अब एक चीज और मैं आपको बता दूं, ठीक है, अगर कोई भी रेखा किसी दूसरी रेखा पर क्या है? लंब डालती है, तो वो वहां पर कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये आपको क्लास 10th में भी बहुत काम में आने वाला है। उसके बाद देखो सिद्ध क्या करना है वो लिख लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, सिद्ध करना है। इसमें आप राइट हैंड या लेफ्ट हैंड लेकर के दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जो सिद्ध करना है वो है आपका एंगल ROS इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में एंगल QOS माइनस दूसरा एंगल है आपका POS। ठीक है, ये आपको क्या करना है? प्रूव करना है। तो यहाँ से अगर हम देखें QOS और दूसरा आपको दे रखा है POS, तो क्या हम यहाँ पे QOS को देखो, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ एक रास्ता ये जा रहा है, एक रास्ता ये, यानी हम इसको टोटल QOS को हम लिख सकते हैं दो रूपों में, QOR प्लस ROS, दो भागों में क्या कर सकते हैं? बांट सकते हैं किसको? QOS को। कौन कौन सा भाग हो जाएगा? एक हो जाएगा आपका QOR, दूसरा हो जाएगा आपका ROS, दो भागों में लिख सकते हैं। ऐसे आपको क्या चाहिए? माइनस का POS, तो POS को हम क्या लिख सकते हैं? POR क्या लिख सकते हैं? POR माइनस हो जाएगा आपका क्या? ROS
एस क्या हो जाएगा, माइनस आर ओ एस, यानी अगर हम इस पूरे में से इतना हिस्सा माइनस कर दे तो आपका वापस यही चीज निकल के आ जाएगी पी ओ एस। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको चाहिए क्या, आर ओ एस चाहिए, और आर ओ एस कहाँ से आएगा, जब हम ये वाला पूरा हिस्सा लेंगे, यानी यहाँ से लेकर के ये हिस्सा जब हम पूरा लेंगे तो यहाँ पे एक आपको आर ओ एस मिल जाएगा, और फिर यहाँ पे देखो ये अगर आप माइनस कर देंगे इतना हिस्सा तो आपका वापस ये चीज निकल करके आ जाएगी। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड ठीक है, राइट हैंड साइड आपकी क्या है, 1/2 ब्रैकेट में आपका एंगल क्यू ओ एस, क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। अब ऐसे क्यू ओ एस को मैंने बोला दो भागों में बांट सकते हैं, देखो क्यू ओ एस को हम लिख सकते हैं क्यू ओ आर, कैसे लिखना है देखो, 1/2 बड़ा ब्रैकेट लगाया, आ जाएगा क्यू ओ आर एंगल क्यू ओ आर प्लस यहाँ से यहाँ तक, तो क्या कर रहे हैं हम, पहले हम यहाँ से यहाँ तक गया प्लस किया, फिर आगे दूसरा हिस्सा आपका क्या है आर ओ एस, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का आर ओ एस, बट सामने क्या लग जाएगा एंगल आर ओ एस लग गया, ब्रैकेट क्लोज, फिर सामने क्या है माइनस लगाया, फिर से ब्रैकेट ओपन, फिर एंगल पी ओ एस लिखना है, पी ओ एस इसको हम क्या लिख सकते हैं पी ओ आर, यहाँ पे देखो क्या आपका आर, तो यहाँ पे आ जाएगा एंगल पी ओ आर। अगर हम इस पूरे में से पी ओ आर में से यहाँ से इतने में से अगर मैं ये वाला हिस्सा माइनस करूँ तो वापस देखो क्या आ जाएगा आपका पी ओ एस आ जाएगा ना, पी ओ एस, तो वही चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि पी ओ आर में से मैं घटा दे रहा हूँ कौन सा आर ओ एस एंगल, एंगल आर ओ एस घटा रहा हूँ। तो अब देखो आपके पास क्या बचता है, तो आपने सिंपली क्या करना है इस ब्रैकेट को ओपन कर देना, तो यह आ जाएगा 1/2 एंगल क्यू आर, क्यू ओ आर प्लस एंगल आर ओ एस, बहुत ईजी, देखो कोई इसमें ज़्यादा मेहनत का काम आपको नहीं करना पड़ेगा, माइनस ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा एंगल पी ओ आर, फिर ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, क्या आ जाएगा एंगल आर ओ एस। अब यहाँ पे फिर से ब्रैकेट कर देते हैं हम, अब देखो क्यू ओ आर स्टार्टिंग में आपको मिल होगा कि क्यू ओ आर क्या है आपका 90 डिग्री है या नहीं, देख लो क्यू ओ आर, क्यू ओ आर देखो यहाँ 90 डिग्री बना रहा है, तो इसका मान क्या आ जाएगा 90। फिर प्लस आर ओ एस, देखो एंगल आर ओ एस और यहाँ पे एंगल आर ओ एस, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, दोनों जुड़ के आ जाएंगे क्या 2 एंगल आर ओ एस। फिर माइनस पी ओ आर, पी ओ आर ये वाली देखो, मैंने क्या कहा था जब ये रेखा लंब बनाती है तो उसके दोनों ओर क्या बनते हैं 90 डिग्री एंगल बनता है, तो जब यहाँ 90 है तो ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, तो पी ओ आर भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। फिर से ब्रैकेट लगाया, इस 90 से ये 90 क्या हो जाएगा कट, तो आपके पास क्या बचता है 2 एंगल आर ओ एस, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 और सामने क्या है मल्टीप्लाई में 2 एंगल आर ओ एस, इस 2 से 2 हो जाएगा कट, तो आपके पास क्या बचा एंगल आर ओ एस रह गया, तो यहाँ से आ गया आपका राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड, ठीक हो गया, या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आ गई राइट हैंड साइड। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है कंप्लीट, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6, इसमें इसको मैं जल्दी से पढ़ देता हूँ, कहा है यह दिया है कि एंगल एक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री है और एंगल एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया गया है, एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया गया है, दी हुई सूचना से एक आकृति कीजिए, यदि किरण वाई क्यू कॉमा एंगल जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है तो एंगल एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी के मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसका एक डायग्राम बना लेते हैं, बोला है एक्स वाई जेड 64 डिग्री है, तो पहले हम ले लेते हैं एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड ये आपको दे रखा कितना 64 डिग्री, फिर आगे का है एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाए, यानी जो एक्स वाई है इसको आप बढ़ा रहे हैं कहाँ तक, बिंदु पी तक बढ़ा लीजिए, ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं है आप कितना बढ़ा रहे हैं, एक्स वाई को बिंदु पी तक बोल दिया, इसको बिंदु पी नाम दे दिया, ये आ गया आपका क्या एक्स, ठीक है, और इधर आपका क्या हो गया ये ऊपर जेड आ गया, ठीक हो गया। फिर आगे पढ़ते हैं क्या कहा है, यदि किरण वाई क्यू जेड वाई पी को समद्विभाजित करते हैं, देखो जेड वाई पी को समद्विभाजित कर रहा है कौन, किरण वाई क्यू, यानी एक रेखा और हमने खींच दी और इसका नाम दे दिया हमने वाई क्यू, वाई ऑलरेडी यहाँ पर, तो इस साइड क्या आ जाएगा बच्चों क्यू आ जाएगा। अब आपको और क्या क्या दे रखा है वो देख लेते हैं, अब ज्ञात क्या करना है और जो दिया है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं दिया है क्या दे रखा है, एंगल एक्स वाई, एंगल एक्स वाई जेड दे रखा है आपको, एंगल एक्स वाई जेड बराबर दे रखा है कितना 64 डिग्री, ज्ञात करना है वो भी लिख लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना है, एक तो आपको निकालना है एंगल एक्स वाई क्यू निकालना है, ठीक है, और दूसरा आपको प्रतिवर्ती प्रतिवर्ती
कौन सा प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी निकालना है, क्यू वाई पी निकालना है। दो चीज़ें आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। कितना इजीली आप इसका आंसर निकाल सकते हैं देखो यहाँ पर। अब आपको पता है ये एक सीधी रेखा पर स्थित है, यानी पी वाई एक्स कैसी रेखा है, एक सीधी रेखा है जिसको आप रिजु रेखा भी बोलते हैं। तो इस पर बनने वाले सभी कोण कितने डिग्री के होंगे, 180 के बराबर होने चाहिए, यानी पहला एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये तीसरा एंगल बराबर कितना होना चाहिए, 180 के बराबर होना चाहिए, ठीक हो जाएगा। तो फिर आपको एक चीज़ और बोली, यानी ये जो बीच वाली रेखा है क्यू वाई पी क्या कर रही है, इस ये जो आपका यहाँ पे एंगल बनेगा इधर इस साइड और इस साइड, यानी यहाँ पर और यहाँ पर जो बनेगा वो क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया है कि क्यू वाई क्या कर रही है, इस जेड वाई पी को दो बराबर भागों में बांट रही है। एक एंगल दे रखा, अगर आप 180 में से 64 माइनस कर देंगे जो एंगल निकल के आ जाएगा वो क्या होगा, ये होगा शेष बचा हुआ हिस्सा। फिर हम इसको क्या करेंगे, दो से भाग दे देंगे तो ये हमें मिल करके आ जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले लिख लेते हैं कौन कौन सा एंगल। देखो एक एंगल हो गया पी वाई क्यू प्लस एक एंगल हो जाएगा क्यू वाई जेड, क्यू वाई जेड प्लस तीसरा एंगल हो जाएगा आपका एक्स वाई जेड लिख लो या जेड वाई एक्स लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, जेड वाई एक्स ये होना चाहिए किसके बराबर, 180 के बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको दे क्या रखा है, जेड वाई एक्स दे रखा है 64 डिग्री, यहाँ पे हमने ले लिया 64 डिग्री। अब ये दोनों क्या है, बराबर होंगे पी वाई क्यू प्लस क्यू वाई जेड। क्यों? क्योंकि ये समद्विभाजित कर रही है। एक चीज़ और हम यहाँ पे लिख लेते हैं वाई क्यू, एक लाइन लिख लेते हैं यहाँ पर, आप साइड में लिख लेना वाई क्यू किसको, जेड वाई पी को समद्विभाजित करता है, जेड वाई एंगल जेड वाई पी को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है, समद्विभाजित करता है, इसकी ज़रूरत पड़ने वाली ना, समद्विभाजित कर रहा है यानी ये बराबर दो भाग होंगे, इसलिए इसको हम लिख ले रहे हैं। बराबर में आ जाएगा 180, तो यहाँ से आपका एंगल पी वाई क्यू प्लस क्यू वाई जेड बराबर आ जाएगा। देखो 64 प्लस का उधर जाएगा माइनस में, माइनस का 64, माइनस करोगे देखो जीरो नहीं जाएगा, एक हासिल लोगे 10, 10 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 6, यहाँ पर बचा 7, 7 में से 1 जाएगा बचेगा, सॉरी 7 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 1, और ऑलरेडी आपके पास कितना है 1 है सामने, यानी एंगल पी वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई जेड बराबर कितना आ गया 116 डिग्री। उसके बाद फिर आपको क्या बोला है कि वाई क्यू किसको, एंगल जेड वाई, जेड वाई पी को क्या कर रही है, समद्विभाजित कर रही है, यानी यहाँ पे हम लिख देते हैं ब्रैकेट में एंगल पी वाई क्यू, पी वाई क्यू बराबर है किसके, क्यू वाई जेड के, एंगल क्यू वाई जेड के, पी वाई क्यू बराबर है क्यू वाई जेड के। क्यों? क्योंकि ये समद्विभाजित कर रहा है, तो यहाँ पे इन दोनों की जगह हम एक दूसरे के मान रख सकते हैं, तो पी वाई क्यू प्लस यहाँ पे हम लिख सकते हैं पी वाई क्यू बराबर में आ जाएगा आपका कितना, 116 डिग्री। दोनों देखो सेम हो गए, तो यहाँ से आ जाएगा एंगल टू एंगल पी वाई क्यू बराबर कितना, 116 डिग्री। तो एंगल पी वाई क्यू निकालना है, आ जाएगा किसमें, दो गुणा में है, देखो कहाँ आ जाएगा, बट्टे में। तो यहाँ से आपका एंगल पी वाई क्यू, पी वाई क्यू आपका कितना आ जाएगा, देखो 116 बट्टे दो करने पे दो पंजे आ जाएगा 10, फिर एक हासिल बचा, दो अट्ठे 16 यानी 58 डिग्री। तो यहाँ से एक चीज़ क्या मिल गया आपको, पी वाई क्यू मिल गया 58, यानी ये 58 डिग्री है और ये भी कितना होगा, 58 डिग्री होगा। तो यहाँ पे आप पी वाई क्यू और कॉमा दूसरा लिख सकते हैं आप क्या, क्यू वाई जेड, एंगल क्यू वाई जेड बराबर कितना आ जाएगा, ये भी 58 डिग्री। आपसे पूछा गया था एक्स वाई क्यू पूछा था, तो देख लो एक्स वाई क्यू का है, एक्स वाई क्यू पूछा है, तो आप क्या 64 और 58 को जोड़ करके बता नहीं सकते कि एक्स वाई क्यू, यानी आधा हिस्सा ये है आधा हिस्सा ये है, और आपको बताना है क्या है, ये वाला हिस्सा बताना है, एक्स वाई क्यू निकालना है। तो इन दोनों को जोड़ करके आप क्या लिखोगे, आप यहाँ पे अगला स्टेप क्या लिखोगे, एंगल एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू इक्वल टू क्या है, एंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड प्लस दूसरा आ जाएगा आपका जेड वाई क्यू, एंगल जेड वाई क्यू, और आप दोनों एंगल निकाल चुके हैं, एक्स वाई जेड कितना आपके पास 64 प्लस जेड वाई क्यू कितना है, जेड वाई क्यू आपके पास 58। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, 8 और 4 हो जाएगा 12, हासिल लगाएगा 1, 5 5 10 और 1 11, ठीक है, देखो 5 5 10 11 और 1 हासिल जो आपका है 112 डिग्री, यानी एंगल एक्स वाई क्यू आपका कितना आ गया, 112 डिग्री, पहली चीज़ निकल गई। दूसरी आपको क्या बतानी, प्रतिवर्ती क्यू वाई पी, और यहाँ पर लिख लो प्रतिवर्ती, प्रतिवर्ती क्यू वाई पी निकालना है, प्रतिवर्ती एंगल
QYP, अब देख लो QYP, ये 58 है। अगर मैं इसकी बात करूँ अलग से बनाऊँ उसका ग्राफ, तो देखो आपको क्या बताना है, ये इतना Q, देखो यहाँ पे आपका Y, यहाँ पर Q और यहाँ पर P, ये आपका दे रखा है कितना 58। अब प्रतिवर्ती का मतलब क्या होता है, जो ये एंगल है इसका जो बचा हुआ हिस्सा है चारों तरफ का, यानी यहाँ से लेकर के ये हिस्सा, इसको आप प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं। यहाँ पे जैसे प्रतिवर्ती लग गया इसका मतलब है कि जो आपका QYP है इसके बाकी जो चारों तरफ हिस्सा रह गया वो कितना है। तो इसके लिए आप क्या करते हो, सीधा सीधा 360 में से माइनस करते हो जो एंगल आप निकाल चुके हो। तो 360 माइनस 58 करोगे तो देखो क्या बचेगा, 360 माइनस 58 करने पर 10 में से, देखो 0 में से आठ जाएगा नहीं, एक हासिल हो गया 10, 10 में से आठ जाएगा बचेगा 2, और यहाँ पे बचा कितना आपका 5, 5 में से 5 जाएगा 0, और यहाँ पे बचा आपका कितना 302, यानी आपका प्रतिवर्ती एंगल QYP कितना आ गया 302। इसी के साथ बच्चों आपकी एक्सरसाइज 6.1 हो चुकी है कंप्लीट। आई होप पूरी एक्सरसाइज को आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नई एक्सरसाइज। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।